अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ अपनी एक 10 मरला की साइट पे, जिसका मुकम्मल नक्शा आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अभी उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका फ्रंट एलिवेशन भी आप लोगों को बाहर जाके दिखाते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो सीलिंग के बारे में है। तो इसके जो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम घर के अंदर तारें डालते हैं। पूरे घर के अंदर तारें वगैरह डल चुकी हैं और अभी इसका जो सीलिंग वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग वर्क हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर का जो सीलिंग वर्क है वो स्टार्ट है। तो आप लोगों को सीलिंग के बारे में बताते हैं कि सीलिंग का मौजूदा रेट क्या चल रहा है पर स्क्वायर फीट, और इसके अलावा सीलिंग करवाते वक्त आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सीलिंग के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बाद में आप लोगों को घर का फ्रंट एलिवेशन का भी व्यू देंगे, और इस घर पर ग्रे स्ट्रक्चर पर कितना खर्चा आया ये भी वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे। जी, तो ये ड्राइंग रूम का सीलिंग का डिज़ाइन आप दे सकते हैं। इधर से आप लोगों को कुछ स्पेस नज़र आ रही होगी, इधर से जो कर्टन है वो छत से ही ये खिड़की के ऊपर कर्टन आएगा, ये कर्टन की जगह है यहाँ से। तो इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये छत से ही कर्टन हम कैसे लगा सकते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो अभी आ जाते हैं सीलिंग के मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं। ये जो सीलिंग की प्लेट्स हैं ये आप दे सकते हैं, सीलिंग की जो प्लेट्स हैं इसकी जो मोटाई है वो मिनिमम 6 सूत्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 सूत्र इसकी जो मोटाई है वो होनी चाहिए। प्लेट की मोटाई बहुत डिपेंड करती है सीलिंग की मजबूती पे। इसके बाद जब आप प्लेट को छत के साथ लगाते हैं तो आप देख सकते हैं हर प्लेट के, यानी कि प्लेट के चारों कॉर्नर्स पे आप लोगों ने इसको छत के साथ फिक्स कर रहे हैं कॉपर वायर से। वो वायर भी आप लोगों को दिखाते हैं, कॉपर की तार होती है, वो लोहे की तार इस्तेमाल नहीं करनी, प्योर कॉपर की तार इस्तेमाल करनी है जिसको जंग नहीं लगता। और क्योंकि जब जंग लगता है तार को तो वो टूट जाती है, जिसकी वजह से सीलिंग गिर जाती है। या दे सकते हैं हर कॉर्नर से, प्लेट को चारों कॉर्नर से तार के साथ आप लोगों ने बांधना है। और फिर एक और चीज़ भी लगती है, वो भी हुक के साथ लगा के, ये जो इसको हम अपनी ज़ुबान में मुंज बोलते हैं, ये आप दे सकते हैं, इसके साथ भी इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ इसको अटैच करके छत के साथ भी बांधते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्योर कॉपर की तार आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ये तार इस्तेमाल होती है सीलिंग के अंदर प्योर कॉपर की। इसके अलावा ये जो मटेरियल है गट्टी हुक, सॉरी इसको हम हुक बोलते हैं, ये ऐसे छत के साथ फिक्स होती है ऊपर, और इसके साथ हम कॉपर की तार बांध के, तो ये भी इसकी भी लंबाई अच्छी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से ये छत के साथ फिक्स हुई होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल जो तार है वो अच्छे तरीके के साथ बांधी जा सके और गिरने के कोई भी चांसेस ना हो। तो ये आप देख सकते हैं सीलिंग के डिज़ाइंस हैं, सिंपल सीलिंग डिज़ाइंस हैं। इसके अलावा अभी हम आ जाते हैं सीलिंग की प्राइस में। सीलिंग का जो रेट चल रहा है वो अभी मार्केट में जो सादा सीलिंग है उसका 90 से लेके 100 रुपये पर स्क्वायर फीट तक सीलिंग हो रही है। 100 रुपये पर स्क्वायर फीट सादा सीलिंग का रेट है। स्पेनिश है वो महंगी होती है, वो 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी आप लोगों को सीलिंग के डिज़ाइन के मुताबिक वो पे करना पड़ सकता है। तो अभी जो सीलिंग का ताज़ा तीन रेट है वो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट है। डिज़ाइंस पे भी डिपेंड करता है, अगर डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो जो रेट है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सीलिंग के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद अगर आप कोई वीडियो चाहती हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।